हेलो गाइज, माय नेम इज़ भूषण। आज मैं आपको नेक्सॉन के नेगेटिव्स जो मुझे लगते हैं मेरी कार में कि ये थोड़े ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो वाले प्रॉब्लम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो फर्स्ट प्रॉब्लम नेक्सॉन में ये आता है कि इसके जो लाइट्स आते हैं थ्रो, उसका थ्रो घटिया है, कुछ काम का थ्रो आता नहीं है। नेक्सॉन के जो ए वाले लाइट आते हैं उसमें हैलोजन, अगर इसके बदले एलईडी लाइट्स आ जाते थे। अब मैं थोड़े दिनों बाद एलईडी इंस्टॉल करने वाला हूँ क्योंकि थ्रो कुछ ही काम का थ्रो नहीं आता है। रात में अगर मैं आपको रात का एक वीडियो दिखाऊंगा उसमें आपको कुछ नहीं दिखेगा कि रात में क्या आ रहा है। और सेकंड चीज़ मैं आपको एक काजीरंगा वाला लोगो मैंने अपने घर पर फिट किया है, अगर इसका वीडियो चाहिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सेकंड नेगेटिव प्रॉब्लम मुझे बहुत बार आ चुका है, सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है जो है नेक्सॉन का रिवर्स गियर। काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी बार जो है मैं जब रिवर्स गियर इंगेज करता हूँ तो इंगेज ही नहीं होता है, मोटर की आवाज़ आती है, खर खर आवाज़ आती है, क्या पता क्यों। मैं शोरूम पर भी लेके गया लेकिन उन्होंने कुछ सोल्यूशन नहीं दिया, फिर भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। जो इसका थर्ड प्रॉब्लम है, अगर आप फर्स्ट टाइम नेक्सॉन चलाओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप फर्स्ट टाइम में नेक्सॉन को चला ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका जो क्लच है वो काफ़ी डीप वाला क्लच है। जब तक अपन लोग ऊपर छोड़ते हैं, अपन जोर में अगर छोड़ेंगे तो गाड़ी झटका मार के चलती है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी नहीं लगी ये वाली प्रॉब्लम। काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ मैं इस वाले क्लच से, काफ़ी हार्ड प्रेस करना पड़ता है, उसके बाद काफ़ी डीप है, उसके बाद ही क्लच इंगेज होता है, बाद में गियर फर्स्ट गियर शिफ्ट होता है, क्या पता क्या है इसका। और जो फोर्थ जो निगेटिव पॉइंट है वो है गाड़ी की कैबिन नॉइस। मैं आपको चला के बताऊंगा कैबिन नॉइस कितना भयानक आता है कार में। देखिए इस साइड पे जो डोर वाला पैनल है, पता नहीं आवाज कहाँ से आता है लेकिन काफी आवाज आता है, चिक 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 आवाज आता है। कैबिन नॉइस के कारण मुझे बहुत दिक्कत होती है रात में, जब अपन सोलो ड्राइव करते तो कैबिन नॉइस ही गाड़ी में आता रहता है, पता नहीं कहाँ से। एक वाला तो इस साइड से ही आता है और एक वाला इस साइड से, ये भी मैंने शोरूम में बोला था कि यार प्रॉब्लम आ रहा है लेकिन उनके पास ही कोई सोल्यूशन नहीं है। वो बोला कि ये जो रबर आते हैं ये लूज होंगे, लेकिन उसका भी कुछ इशू नहीं था। और हमारा पांचवा निगेटिव प्रॉब्लम है वो इस कार की सनरूफ। काफ़ी बार सनरूफ खुल जाती है लेकिन दिक्कत यही होती है कि सनरूफ खुल जाती है। एक बार तो क्या हुआ था, सनरूफ खुल गई और बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी, सनरूफ खुल जाती है लेकिन बंद ही नहीं होने का नाम लेती, तो यार क्या करें। तो ये सब प्रॉब्लम मुझे आ रही थी मेरे नेक्सॉन में, बाकी गाड़ी अच्छी है। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया होगा, वो भी आप देख लेना, जिसमें मैंने पॉजिटिव पॉइंट्स बोले नेक्सॉन को लेकर, वो वाली वीडियो भी आप चेकआउट कर लेना। बाकी यही थे कुछ मेरे, मुझे लगता है कि यही थे मेरे कार में नेगेटिव्स। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और कोई आपको नेक्सॉन के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में बोल देना। थैंक यू।